कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अध्याय दो श्लोक संख्या 64 और 65 भगवत गीता. सो आई जस्ट स्टार्ट नाउ. ओम अज्ञानात् मरणस्य ज्ञानांजन शलाकया शूरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. सो श्रील प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं, भगवान इन दो श्लोकों में बता रहे हैं कि भक्ति करने का फायदा क्या है. आफ्टर ऑल हम सब भक्ति कर रहे हैं, मगर उसका फायदा क्या है? क्योंकि लोग यही पूछते हैं हमसे कि भाई आप भक्ति क्यों कर रहे हो, उसका फायदा क्या है? ऐसे पूछते हैं नहीं? सो लोग कहते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करो. बट भगवान यहाँ पे 64-65 वर्ड्स में भक्ति करने का फायदा बता रहे हैं. पिछले दो श्लोकों में भगवान ने भक्ति ना करने के घाटे बताए थे. नहीं ध्याय तो विषयां पुंसा संगस्थे शुभ जायते. जो भक्ति नहीं करेगा उस वो संसार से आसक्त होता चला जाएगा. आसक्ति से क्रोध आएगा, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से बुद्धि नाशो, और वो बिल्कुल एक एनिमलिस्टिक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल. जो भक्ति कर उसको क्या फायदा है? भगवान कह रहे हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु. भक्ति करने से व्यक्ति राग और द्वेष से निकल जाएगा. अब क्वेश्चन ये है कि राग और द्वेष होता क्या है, चीज क्या है राग और द्वेष? सुशील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, वेल राग मतलब हमें कुछ चीज अच्छी लगती है, द्वेष मतलब कुछ चीज अच्छी नहीं लगती. सबको अपनी अलग अलग लिस्ट है. कुछ लोगों को जो अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती. इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, है ना? सो भगवान कह रहे हैं भक्ति करने से राग द्वेष से मुक्त जाएगा व्यक्ति. क्यों? क्योंकि भक्ति करने से उसको समझ आ जाएगा मैं वो नहीं करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, और मैं मतलब मैं और ऐसा भी नहीं है कि मैं वो कि जो मुझे बुरा लगता है उसको नहीं करूंगा और जो अच्छा लगता है वो करूंगा. ऐसा नहीं है. भक्ति करने से उसको समझ आ जाता है जीवन ऐसे नहीं चलता कि जो मैं अच्छा लगता है मैं वही करूंगा, जो बुरा लगता है वो नहीं करूंगा. एक भक्त रूपा लिख रहे हैं वो करता है जो भगवान को अच्छा लगता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद कहीं सब पॉपर्ट में एग्जाम्पल दे रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में खाना बनाना मुश्किल है नहीं? मतलब गर्मी में किचन में तो गर्मी होती है, आफ्टरऑल अगर एसी नहीं है तो फिर भी मुश्किल होता है. सो मगर डिवोटी क्या करता है? भक्त गर्मी सहकर भी भगवान के लिए बनाता है. जैसे घर में परिवार के लिए औरत बनाती है, चाहे कितनी गर्मी लग रही है, अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए बनाएगी ना, चाहे कितनी गर्मी लग रही है. क्यों? क्योंकि वो उसको भगवान से, उसको अपने पति और बच्चों से प्रेम है. तो क्योंकि भक्त भक्ति से भगवान से प्रेम करने लगता है, इसलिए भगवान के लिए वो चीजें भी कर सकता है, हो सकता है जो उसको अच्छी नहीं लग रही हो. तो वो द्वेष से ऊपर हो गया है नहीं? तो कैसे कृष्णा कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं कि लव एक्चुअली यहां पे लिखा है क्या है वो सुहृदम सर्वभूतानाम. सब जीवों के सब जीवों पे तुम सुहृद रहो. सुहृद मतलब सब जीवों पे कृपा करो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो. तो साधारण आदमी तो दुश्मन से दूर रहेगा, दुश्मन है इसको, मेरा दुश्मन है मैं इसको दुश्मन हूं. मगर डिवोटी इस द्वेष से ऊपर उठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. भगवान कह रहे हैं कि सब पे कृपा करो, इसलिए मैं अपने दुश्मन पे भी कृपा करूंगा. वो द्वेष से ऊपर उठ गया. समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे ही डिवोटी प्रभुपाद लिख रहे हैं, हो सकता है उसको कोई चीज अच्छी लगती हो मगर भगवान कह रहे हैं छोड़ दो तो वो छोड़ देता है. जैसे हमें बड़ा अच्छा लगता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉलेज में थे तो मुझे ब्रेड ऑमलेट बड़ा अच्छा लगता था. कॉलेज में ही मिलता था ब्रेड, सॉरी क्या बन ऑमलेट यही मिलता था, खाते रहो खाते रहो. मगर भगवान कह रहे हैं वेल मेरे डिवोटीज अंडा नहीं खाते, तुम्हें छोड़ दिया.
सो राग से परे होगा ना, हमें जो अच्छा लगता है हमने छोड़ दिया आसानी से, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं भक्ति करने का फायदा है कि तुम अपने बायस से निकल जाओगे। इसको कहते हैं बायस। बायस कैसे कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में है बायस, हाँ तरफ झुकाओ, पता नहीं क्या है ये सब, तो हो भी सकता है बक्षपात बायस नहीं होता, बक्षपात फेवर होता है, पता नहीं आपको समझ आ रहा है बायस क्या होता है। जिसको आ रहा है इसको नहीं आ रहा, जय गोविंदा जय गोपाल। और क्या ऐश करो। सो वेल, अब अपनी बायस मतलब अपनी धारणाओं से, बायस मतलब धारणा है, हमने जो अपनी धारणाएं बनाई हुई है ना कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा नहीं करूंगा ऐसा करूंगा, वो हमारी धारणा है। आप इससे बाहर निकल जाओगे क्योंकि अब आप भगवान की बातें मानना शुरू कर दोगे। भगवान की बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से हमें भगवान अच्छे लग रहे हैं, भगवान अच्छे लग रहे हैं तो हमें भगवान के आइडिया अच्छे लग रहे हैं, हमें भगवान जो कहेंगे मैं वो करूंगा। यस, बस। एक्चुअली मैं हम लोग वृंदावन में गए थे तो वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे एक बच्चा था, छोटा बच्चा, तो वहां पे हनुमान जी की मूर्ति थी, तो बच्चा हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कह रहा था हनुमान जी मैं तो आपकी बात मानूंगा, आपकी बात मानूंगा, पता नहीं हम पूरी परिक्रमा लगा के तब भी चिल्ला रहा था खड़े होके, वहीं खड़े हो गए, हनुमान जी मैं तो आपकी बात मानूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। दो घंटे हो गए, मतलब क्वाइट इंप्रेसिव। एक्चुअली भक्ति यही है, भक्ति बस है कृष्णा हम आपकी बात मानेंगे, बाकी सब घनचक्कर है, गधे हैं, हम उनकी बात नहीं मानने वाले, चाहे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, अपनी थ्योरीज बना के बैठ जाते हैं और मरवा देते हैं लोगों को। सो अगर कृष्ण की बात से मैच हो रहा है तो ठीक है, कृष्ण की बात से मैच नहीं हो रहा तो हम किसी की बात नहीं मानने वाले, बस, चाहे वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी हो, क्योंकि हमें पता है भगवान परफेक्ट है और भगवान की बातें वो भी परफेक्ट है नहीं, कृष्ण की नॉलेज परफेक्ट है। भगवान की बात मानोगे तो हमेशा खुश रहोगे, अपने आइडिया से चलोगे तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए खुशी रहो मगर बाद में बहुत महान दुख मिलेगा, देखना। सो हम राग द्वेष, भक्ति करने से एक फायदा है, राग द्वेष से अपनी धारणाओं से आप निकल जाओगे, ठीक है। दूसरा फायदा है विषय इंद्रिय चरण। नाउ ये जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, एक्चुअली भगवद गीता में अगर कोई शब्द है, कुछ ही शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक ही है जो कि केवल भगवद गीता में और कहीं नहीं है। ऐसे अवतार की बात आती है, कृष्णा कहते हैं मैं अवतार लेता हूं, कौन सा श्लोक है गीता में, मैं आता हूं संसार में, यही धर्म से अग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मानि सृजाम्य हम, नहीं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्था, अपना अर्थ है संभवामी युग योग, ये अवतार है संभवामी, मैं आता हूं युग युग में। अब ये जो कॉन्सेप्ट है भगवद गीता में है क्लियरली, उपनिषदों में क्लियर नहीं है, ये चीज यूनिक है। इसी प्रकार ये जो कॉन्सेप्ट है विषय इंद्रिय चरण, ये भगवद गीता का यूनिक कॉन्सेप्ट है। कृष्णा कह रहे हैं भक्ति करने का फायदा है कि आप चरण, चरण मतलब चलना, इंद्रिय मतलब इंद्रिय, आप संसार में काम करते रहोगे फिर भी संसार से अलग रहोगे, जैसे कमल, कृष्णा कह रहे हैं कमल एव पत्रम, ऐसे कमल कीचड़ में रहता है मगर कीचड़ उसको छू नहीं पाती, उसी प्रकार संसार में आप खा रहे हो पी रहे हो सो रहे हो अपना काम कर रहे हो बट काम करते हुए भी संसार से प्रभावित नहीं होगे, ये कैपेसिटी आ जाएगी। मतलब समझ लो कि आप हॉरर मूवी देखने गए और आपको डर नहीं लग रहा, ऐसे तो आप हॉरर मूवी देखोगे तो चीखें निकल जाती हैं, मगर अगर आप मतलब आप माइंड से स्ट्रांग होता हॉर मूवी देख रहे हो आपको ठीक है चलो कोई जो भी चल रहा है चल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही है ये संसार की जो मूवी चल रही है आप इससे परेशान होना बंद हो जाओगे, ये बहुत बड़ा फायदा है। आप इसी में रहते हुए आपका माइंड डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। विषय इंद्रिय चरण मतलब कहने का मतलब है इंद्रिय भोग से अभिभूत नहीं होगे, मतलब अगर टेक्निकल भाषा में बात करें इस संसार में काम करते हुए भी भोग वासना हृदय में नहीं आएगी, आप काम कर रहे होगे दैट्स ओके। इसको कहते हैं ये भक्ति से पॉसिबल है और किसी से पॉसिबल नहीं है, किसी से पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है।
सो इसको कहते हैं विषय इंद्रिय चरण, इन दूसरी कैपेसिटी आ गई, मतलब आप संसार के भय के नहीं निकलते जाओगे, ठीक है, जो का जरूरी है वो करोगे, बस छोड़ दिया फिर, ठीक है, दैट्स ओके। ऐसा नहीं कि उसमें भय गए, माइंड ही उसमें चला गया, सोचते जा रहे हो, ये करते जा रहे हो, वो करते जा रहे हो, यही 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 है ना संसार में, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको किसी ने गाली दे दी, फिर सोचते जा रहे हो, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, सोच सोच के प्रेशर कुकर बन जाएगा आपका दिमाग और फिर फट जाएगा। ऐसे होता है, नहीं होता है? सो भक्ति से कैपेसिटी आ जाएगी कि आप प्रभावित होना बिल्कुल बंद हो जाओ। इसलिए एक्चुअली पता है एक तो एक सेइंग है, बुद्धा ने बोला कि तुम मेरी तरफ कांटे फेंको और मैं अपने ध्यान में उन कांटों को फूल में बदल दूंगा। दैट्स अ वेरी गुड सेइंग। यू थ्रो थॉर्न्स एट मी एंड इन माय साइलेंस आई विल चेंज देम इनटू फ्लावर्स। और अच्छी सेइंग है, मतलब संत की तरफ कांटे फेंकोगे मगर वो उसको फूल की तरह प्रतीत होंगे। ऐसे कृष्ण भगवान पे भीष्म पितामह तीर चला रहे थे, नहीं चला रहे थे युद्ध में, तो भगवान को कैसा फील हो रहा था? भगवान को लग रहा था कि भीष्म पितामह मुझ पे फूल बरसा रहे हैं। नाउ दैट्स एक डिफरेंट एंगल है उस चीज को देखने का। साधु ऐसे ही होते हैं, साधु ऐसे ही होते हैं। आप साधुओं को गाली दो, कुछ भी करो, डिस्टर्ब करो, साधु डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साधु को पता है भाई ये तो है ही पागल, अगर मैं भी डिस्टर्ब होगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, मैं भी पागल हूं। एक पागल से आदमी से डिस्टर्ब होना कहां की बुद्धिमानी है, नहीं तो संसार में है ही पागल सर, क्या है? अपने मन से करते आ रहे। तभी कहावत है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते, मगर हाथी को कुछ नहीं होता, चलता रहता है। सो दैट्स डिवोशन, भक्ति से भोग वासना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मतलब हजार लोग हजार चीजें कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हजार लोग कहेंगे भक्ति बेकार है, ठीक है, बोलते रहो। हजार लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, कोई नहीं, बोलते रहो। जो है कि कन्विंस्ड हो ना आप डिवोशन कर रहे हो ना, भक्ति कर रहे हो। और तीसरा इफेक्ट है आत्मवशय विधेय आत्मा। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विधेय आत्मा होता है, आत्मा वशय मतलब अपने आत्मा को अपने वश में कर लोगे, अपने मन को अपने वश में कर लोगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भक्ति का, क्योंकि अपने मन को तो वश में करना असंभव है। अर्जुन खुद कह रहे हैं मैं हवा को वश में कर सकता हूं, मन को नहीं कर सकता। बड़े बड़े राजा आ गए, उन्होंने देशों को वश में कर लिया, मन को किसने वश में किया? बल्कि रूपा गोस्वामी कह रहे हैं पृथ्वीम स शिष्यात्, जिसने मन को वश में कर लिया वो पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर सकता है। भाई जो अपने आप को नहीं वश में कर पाया दूसरों को क्या करेगा? जो अपने आप को नहीं संभाल सकता वो दूसरों को क्या संभालेगा? तो कृष्ण कह रहे हैं भक्ति करने से आपको अपने मन पे वश आ जाएगा। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब होता है कि दूसरा आत्मा मतलब भगवान, भगवान से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। नहीं छोड़ दो इसको भी, कुछ मत करो, खराब कर देगा। सो आत्मवशय विधेय आत्मा, अपने माइंड पे कंट्रोल आ गया, बहुत बड़ी बात है। माइंड पे कंट्रोल करने का मतलब क्या है? आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, ये माइंड ये मेंटल कंट्रोल है। आप चाहोगे सुबह उठना सुबह उठ जाओगे, आप चाहोगे चैंटिंग करना चैंटिंग कर सकते हो, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, वो मेंटल कंट्रोल है। अब हम माइंड के कंट्रोल में नहीं हो, अब आपके कंट्रोल में माइंड है। सो मनुष्य जीवन यहीं से शुरू होता है। मनुष्य मतलब जो मन का ईश है, ईश मतलब कंट्रोल, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो मनुष्य है। सो भक्ति करने से एटलीस्ट आप मनुष्य तो बन जाओगे, भगवान ही कह रहे हैं, एटलीस्ट जानवर से मनुष्य बन जाओगे। और विधेय आत्मा, विधेय आत्मा मतलब कि भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। सिर्फ मनुष्य नहीं बनोगे, वैष्णव भी बन जाओगे। वैष्णव मतलब विष्णु से जुड़ जाओगे, कितना बेनिफिट है। भगवान कह रहे हैं मतलब तुम्हें माइंड पे भी कंट्रोल आ गया, साथ साथ तुम्हारा मुझसे कनेक्शन भी हो गया। प्रसादम अधिगच्छति, और फोर्थ बेनिफिट है भगवान की पूर्ण कृपा। प्रसाद मतलब पूर्ण कृपा प्राप्त होगी,
कितने सारे बेनिफिट है भक्ति करने से। नहीं कोई पूछे बेनिफिट क्या, आप श्लोक कोट कर सकते हो, भक्ति करने का फायदा क्या है, श्लोक कोट करो, दैट्स गुड। राग द्वेष से मुक्त, संसार में काम करते हुए भी भोग वासना से प्रभावित, गलत गलत आइडिया से, धारणाओं से प्रभावित नहीं होगे, भोग से प्रभावित नहीं होगे, अपने मन पे वश आ जाएगा, भगवान से कॉन्टैक्ट हो जाएगा और भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सकती है। सो नाइस, नहीं और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, भगवान आपसे मिलने आएंगे भक्ति करोगे तो। नहीं अगर मान लीजिए किसी से मोदी मिलने आ रहा है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी, बटाला में उस घर में मोदी आ रहा है, उससे मिलने आ रहा है, किसी भगवान ही मिलने आ रहा है तो कितनी बड़ी बात है। कृष्णा विल कम एंड मीट यू, परफेक्शन ऑफ लाइफ है। और जब भगवान की कृपा मिलेगी तो कई कई लोग पूछते हैं भगवान की कृपा मिलने से क्या होगा, भगवान की कृपा क्यों चाहिए हमें, हमें तो पैसे चाहिए, कृपा कृपा क्या लगा रखी है। सो कृष्णा अगले श्लोक में कह रहे हैं भगवान की कृपा मिलने से क्या होगा, प्रसादे सर्व दुखानाम, भगवान की कृपा मिलने से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। भगवान पर्सनली अपने डिवोटी की लाइफ को चलाएंगे। सारे दुख खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि वो बीमार नहीं होगा कभी, या कभी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सारे दुख खत्म होने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आएंगी मगर वो प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं होगा। जरूर ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं रहती, प्रॉब्लम तो रहती है मगर वो प्रभावित नहीं होता, उस सेंस में सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो भी बीमार होगा मगर बीमारी से परेशान नहीं होगा, ठीक है चलता है, शरीर है, शरीर तो बीमार होता ही है नहीं। सो सारे दुख खत्म हो जाएंगे, हानिर अस्योपजायते, और सारे के सारे हानि, हानि मतलब नाशय, लॉस, कभी भी जीवन में घाटा नहीं होगा। घाटा ऐसा नहीं है बिजनेस लॉस नहीं होगा, वो भी तो हो सकता है, उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। कभी भी लॉस नहीं होगा मतलब कि कभी भी आपकी आप भगवान से डी कॉन्टैक्ट नहीं होंगे, कभी भी लॉस नहीं होगा। सबसे बड़ा लॉस क्या है जीवन में, भगवान को भूलना। भगवान की कृपा आएगी तो कभी भी भगवान को नहीं भूलोगे, चाहे आपका बिजनेस में लॉस क्यों ना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिवोटी के लिए सबसे बड़ी हानि है भगवान को भूलना, एक्चुअली मृत्यु से भी बदतर है, भगवान को भूल गए हम नहीं, कैसा अजीब सी बात है। मतलब मान लीजिए आपको, आपको बोले भी ठीक है आप अपने आप को भूल जाओगे, सपोज आपको कोई बोले, दो ऑप्शन है, या तो मर जाओ या दूसरा ऑप्शन है कि अपने आप को भूल जाओगे, तो कौन सा ऑप्शन लेते हो, आप भूल जाओगे आप कौन हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि चलो आप मर जाओ, तो कौन सा ऑप्शन लोगे, मरोगे या सब कुछ रेडी हो, सब कुछ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। वैलो जीवन का फायदा है कि अगर आप सब कुछ भूल गए, नहीं नाम भी भूल गए, सब कुछ भूल गए, सब कुछ ही भूल गए, ये भी भूल गए कि मैं कौन हूं, ये भी भूल गए मैं हूं, उस जीवन का फायदा, वो तो मरने से भी बदतर है। कहीं मैं हॉस्पिटल में कई पेशेंट्स होते थे मेरे, तो हम जाते थे राउंड्स लेने, कहीं कहीं कैंसर पेशेंट्स होते थे, 4 डिग्री पड़ा हुआ है अपने, मरने वाला है, तो हमसे बोलता था कि डॉक्टर साहब मार ही दो हमें, कैंसर में बहुत दर्द होता है ना, पता है ना आपको, पड़े रहते हैं, मृत्यु से भी बदतर है वो। तो उसी प्रकार भगवान को भूलना मृत्यु से भी बदतर है। भगवान कह रहे हैं कि वेल वो खत्म हो जाएगा, कभी लॉस नहीं होगा मेरे डिवोटी को, प्रसन्न चेतसो, और हमेशा प्रसन्न रहेगा वो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा। अगर भगवान की कृपा आ रही है तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि मतलब भगवान की कृपा आ रही है तो हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश हो इसका मतलब भगवान की कृपा आ रही है। नेचुरली मान लीजिए अगर किसी को 20 करोड़ रुपए मिल गए, खुश हो गए नहीं हो गए नेचुरली खुश हो गए नहीं। सो अपने आप ही खुश हो जाओगे आप। मान लीजिए अभी फोन आ गया आपको, सूरज को फोन आ गया, 100 करोड़ रुपए लॉटरी खुल गई, अभी खुश हो गया, लो बिना मिले भी
ऑटोमेटिकली आप खुश हो जाओगे अंदर से, 100 करोड़। सो दैट्स यू सी द पॉइंट, आई मीन टू से ये न्यूज अगर आपको असली मिल जाए आप खुश हो जाओगे, है नहीं? सो भगवान की कृपा का रिजल्ट ये कि आप खुश हो जाओगे, अपने आप खुश हो गया। भगवान की कृपा से होता ही ऐसे है, जैसे आग के पास बैठोगे तो गर्मी मिलेगी, है नहीं? पानी में कूदोगे तो गीले हो जाओगे। भगवान की कृपा जैसे ही आत्मा को छुएगी आत्मा खुश हो जाती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट छुओगे तो शॉक लगेगा, है नहीं? जैसे ही भगवान की कृपा आत्मा को छुएगी, मन बुद्धि को चीरती हुई आत्मा को छू जाएगी, कभी छू जाए तो, अगर आप भक्ति अच्छी तरह करोगे इमीडिएटली आप हैप्पी हो जाओगे। और हम फील भी करते हैं, अभी न्यू नए डिवोटी होके भी फील करते हैं, नहीं? अच्छा तो लगता ही है, आनंद तो आता ही है। सो फ्री की खुशी, यू कैन इमेजिन। भक्ति, अब लोग कहते हैं भक्ति का फायदा क्या है, ये बहुत बड़ा फायदा है, हम फ्री में फ्री फंड में खुश हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? ये आप बोल सकते हो लोगों को, क्या फायदा है भक्ति करने का, फ्री फंड में खुशी हो रहा है, लो इससे अच्छा फायदा क्या, कोई फायदा है इससे अच्छा? फ्री में खुशी मिलती है कहीं, पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, इंजॉय करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे आपको। आप मतलब जब मैं अमेरिका, मतलब अमेरिका तो मैं जाता ही हूँ, मैं बचपन में गया था अमेरिका पेरेंट्स के साथ जब मैं 10th क्लास में था। सो हम गए थे वहाँ पे, ये डिज्नी वर्ल्ड पता है, डिज्नी वर्ल्ड वहाँ घूमने गए थे, और मतलब लास वेगास वहाँ भी घूमने गए थे। तो पेरेंट्स सब घूम रहे थे अपना आराम से, तो ठीक है, तो वहाँ पे मतलब डिज्नी वर्ल्ड में तो ठीक है, हम लोग थोड़े बहुत झूले में झूले, और फिर लॉस वेगास गए, वहाँ पे कैसीनो थोड़ा बहुत देखा, फिर उसके बाद ऐसे ही घूम रहे थे हम, ऐसे ही देख रहे थे। तो मैं तो ऐसे ही, मैंने कहा चलो भी अपने पेरेंट्स से, चलो भी इसमें यहाँ पे भी चलते हैं कैसीनो में, ये भी झूला झूलेंगे। तो मेरे पापा ने कहा कि वेल सबके लिए पैसे चाहिए। पैसे खत्म, क्या कहते हैं पैसे खेल, क्या कहते हैं, हाँ। सो बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका में, मगर जेब में, क्या कहते हैं उसको, जेब में रोकड़ा होना चाहिए, वरना कुछ नहीं कर पाओगे आप। देखते रहो, कुछ नहीं कर सकते, अब एंजॉय कैसे करोगे, है नहीं? है, मगर आप एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है। बट भक्ति से फ्री की खुशी मिल रही है। सो प्रॉब्लम क्या है, कौन नहीं चाहता फ्री की खुशी? और जो नहीं चाहता फ्री में खुश होना वो तो पागल है, उसका दिमाग क्रैक है। वो भाई, तुम फ्री में खुशी दे रहे तो क्यों नहीं ले रहे? प्रभुपाद ने बोला था, प्रभुपाद के पास कुछ फिलोसफर्स डिस्कस करने आए थे कि ये भक्ति क्या है, ये वो प्रभुपाद ने कहा भक्ति जो भी है, भक्ति करने से तुम फ्री में खुश हो जाओगे। तो प्रभुपाद ने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे तुम भक्ति? कहते नहीं, ये सब कुछ अपने लॉजिक दे रहे थे, नहीं हमें कैसे पता है सही है ये वो। प्रभुपाद ने कहा सही क्या, तुम करके देखो तुम फ्री में खुश हो जाओगे, सही क्या है? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम करो, क्या प्रॉब्लम है? तो चुप चुप बैठे रह सो, इट्स अ वेरी पावरफुल लॉजिक, सिंपल। सो ये भगवान की कृपा मिलने से प्रसन्न चेतसो, हमेशा खुश रहोगे। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो दुखी हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूरी कृपा मिल नहीं रही, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप आग के पास बैठो तो आपको गर्मी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी 100 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो हंसी नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो प्रसन्न चेतस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान की कृपा मिले और आप दुखी हो जाओ। विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, हमेशा खुश रहोगे आप। आपसे कॉन्टैक्ट में जो भी आएंगे वो भी खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह यार ये हमेशा खुशी रहता है, उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए ये दुखी नहीं होता। बल्कि लोग कहते हैं अजीब सा बंदा यार, दुखी नहीं होता है, ऐसा भी होता है। मुझसे पूछा था एक, पता नहीं एक बहुत पहले ना, एक पता नहीं बड़ौदा में ऐसे कोई सेमिनार कर रहे थे, तो फॉर्म था उसमें, सारे डिवोटीज को फॉर्म दिया, तो उसमें लिखा था कि भी ये आप कभी दुखी हुए हो? तो मैंने तो कट्टा मार दिया,
तो उसने देखा जो उसने, तो सबने लिखा कि हाँ दुखी हुए हैं, कभी तो दुखी हुए हैं, मैंने कट्टा। तो उसने उनसे पूछा, अरे तू कभी दुखी नहीं हुआ? बड़ी अजीब सी बात है। सो इस संसार में भक्ति, भक्त के लिए दुखी होना भक्ति का अपमान है, समझे? भक्ति का अपमान है, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो। भक्ति मतलब आप ये कह रहे हो कि भक्ति में कोई शक्ति नहीं है, वो अपमान हो गया, नहीं हो गया? मतलब राजकुमार जाके एक झोपड़ी में रह रहे, अगर राजकुमार झोपड़ी में रहने लगे तो किसका अपमान है? राजा का अपमान होगा? नहीं होगा भाई, उसको बोला मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा बेटा झोपड़ी में पड़ा हुआ है। तो ऐसे भक्त अगर दुखी है तो भक्ति का अपमान है। भक्ति इतनी महान है कि वेल अब दुखी नहीं हो सकते। प्रसन्न चेतस हुई आशु, दैट्स अ वर्ड यूज, तुरंत इमीडिएटली प्रसन्न हो जाओगे आप। मतलब ऐसा नहीं है 10 साल बाद, जैसे भक्ति शुरू करोगे प्रसन्नता शुरू हो जाएगी, और फिर ऑफकोर्स जैसे जैसे करोगे और बढ़ती जाएगी, इमीडिएट हैप्पीनेस मिलेगी। तो इसलिए लोग कीर्तन करते हैं, कितने खुश हो जाते हैं नहीं? तो प्रसन्न चेतसे आशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते, और बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि स्थिर मतलब भक्ति करने से गोल लाइफ का क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म। वो भागवतम कह रहे हैं ना, भित्यर्थे इद्रे ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे डाउट्स खत्म, फिनिश। शियन्ते चस्य कर्माणि, सारे पाप खत्म। आपकी माइंड और बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो गई। आपको फिर दिख, हरे कृष्ण, क्या हो रहा है इसको? फिर से गया तारे, तारे तो पता नहीं क्या हो रहा है। सो आवाज सुनाई दे रही मेरी? ये पता नहीं क्या है, इस माइक को अच्छा नहीं लग रहा जो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं शायद। सो भक्ति करने से बुद्धि स्थिर हो गई, बस क्लियर हो गई, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए? मतलब इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो याद कर लो 2.64, दूसरे अध्याय का 64 और 65 वर्स। अगर कोई पूछे कि भक्ति करने के फायदे क्या, आप सीधा दो श्लोक कोट करो, दैट्स ऑल। ये फायदे एज अ गीता स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए। मतलब ऐसे मत बोलते रहो भक्ति, कोई आपसे पूछे भक्ति करने के फायदे क्या और आप फिर आंसर फंबल समझते हो, हाँ भक्ति करने के फायदे क्या, पता नहीं। लोगों को आंसर ही नहीं पता होता, कर रहे होते हैं प्रॉपर आंसर ही नहीं दे पाते। सो दिस इज प्रॉपर आंसर, और आपको भी पता होना चाहिए, वरना भक्ति सही से कर ही नहीं पाओगे। अगर आप खुद ही कन्विंस नहीं हो जो कर रहे हो तो फिर कैसे करोगे? फिर एक दिन छूट जाएगी भक्ति, कन्फ्यूज हो जाओगे। सो दैट्स फॉर 64-65 ग्राम फॉर दिस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, आई विल स्टॉप इट, दैट्स इट। कोई क्वेश्चंस है? आई एम डन। अब मैंने फायदे बता दिए, आपको भक्ति करनी है बस। क्या कहते हो, कोई क्वेश्चन है किसी का? इतने सारे लोग बैठे हैं। हरे कृष्ण। इसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, बड़ी अजीब सी बात है। वैसे तो मुझसे पूछते रहते हैं अकेले आकर, क्यों पूछते रहते हैं मुझसे? यहाँ पूछो ना, ऐसे ही मिल के एक क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछना चाहिए। तो कैसे हैंडल करना है? जैसे हम अपना चैटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, तो हमें जबरदस्ती कन्विंस्ट करता है कि मतलब ये नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ। तो यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो और क्या करना है? मैं नहीं हो रहा कन्विंस भाई, कोई किसी का जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। उसे बोल, तू बोलता रहे बस। एक पता है एक्चुअली, तुकाराम थे ना, तुकाराम पता है? तुकाराम बहुत बड़े वैष्णव थे। तो उनके पास एक वो आया मायावादी। मायावादी मतलब जो व्यक्ति कहता है आत्मा ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। तो भक्तों को तो अच्छा नहीं लगता सुनना, हम ही भगवान है तो नॉनसेंस है, नहीं हम तो दास है भगवान के। तो वो आया, तो वो
तुकाराम से कह रहे थे देखो अभी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम्हें सुनना चाहिए। तो तुकाराम ने कहा ठीक है तुम बोलो, मगर एक कंडीशन है, मैं कंबल ओढ़ के बैठूंगा और फिर तुम बोलो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूरे कंबल ओढ़ के बैठ गए, वो बोलता रहा दो तीन घंटे बोलता रहा ये वो। तो अंदर तो उसने पूछा तुकाराम समझ आ रहा है, आ रहा है? तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। उसने कहा हो क्या रहा है? कुछ कोई नहीं है। फिर उसने कंबल हटाया तो तुकाराम अपने कान बंद करके बैठ। सो लाइक दैट, उन्हें मना भी नहीं किया बट सुना भी नहीं, उसी मना भी नहीं किया बट सुना भी नहीं। बस ये टेक्निक होती है, कोई कुछ बोल रहा है मना भी मत करो मगर सुनो भी मत। मानना क्यों है, क्यों मानना है? मगर मना भी करोगे तो भी लोगों को बुरा लगता है नहीं? सो कुछ कंडीशन से मना भी नहीं कर सकते है नहीं? जैसे मैं अपने घर में था तो पेरेंट्स भी तो शुरू में कहते ही हैं है नहीं, ये तो ये सब गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, बर्बाद हो गया तू, ये वो जो भी वॉट अबाउट इट। तो पेरेंट्स को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो धर्म नहीं है। नहीं, पेरेंट्स तो आफ्टर ऑल पेरेंट्स है। नहीं, क्या हो रहा है, ये इतना चंचल क्यों है शिवम? सो पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते बट जरूरी नहीं है उनकी बात मानना, अगर वो उठपटांग चीज का तो क्यों माने। सो तरीका ये है, आप सुनो और निकाल दो। आप बोलोगे तो फिर और वो बोलेगा, यही होता है ना। उसको तो उसको शौक है तंग करने का, आप तंग हो गए तब उसको मजा आएगा, फिर और पीछे पड़ेगा। सो तंग ही मत हो, ठीक है तू बोलता रहे यार, तू और बोल ले क्या है। सो इस तरह से होता है। बट ये बात है कि अभी नए में थोड़ा ना डिस्टर्ब आता है माइंड, है नहीं? नए होते हैं, कोई बोलता है तो माइंड डिस्टर्ब होता है, होता है नहीं होता है? तो उसका असली में तरीका यह है कि नॉलेज लो। नॉलेज होगी सही तो फिर आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाओगे। ठीक है यार, दैट्स ऑल, वो बेवकूफ है तो मैं उसकी बात की, ठीक है बोलता रहे क्या है। अगर बच्चा आपसे कुछ बोले तो डिस्टर्ब होते हो, होते हो? नहीं होते ना। अगर बच्चा कहे, छोटा बच्चा आके कहे तुम पागल हो, ये हो, ठीक है बच्चा है, तो हंसी आएगी उस पर, है नहीं? सब बच्चे ही हैं, सब शरीर बड़े हो गए मगर अंदर से बच्चे हैं। बाल अवत, ये भागवत कह रही है, समझे? दैट्स ऑल, दैट्स हाउ इट गोस। सो ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो ठीक है। अगर मान, चलो मैं पूछता हूँ, अगर मान लीजिए आप भक्ति कर, अगर मान लीजिए ये जो मैंने बताया भक्ति के फायदे हैं, अगर ये फायदे आपको नहीं मिल रहे और आप भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? कुछ फायदे आ रहे हैं, कुछ फायदे हम सही से नहीं, इसका मतलब भक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसको इन चीजों का फायदा भी कह सकते हो, इन चीजों को भक्ति के लक्षण भी कह सकते हो, समझे? टेक्निकली ये चलता है, फायदे भी हैं और लक्षण भी हैं। आप इन चीजों से पता लगा लोगे कि आपकी भक्ति ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। ऐसे प्रसन्न होना भक्ति का फायदा है मगर ये लक्षण भी है। अगर आप प्रसन्न नहीं हो रहे तो इसका मतलब भक्ति में कुछ गड़बड़ है। अगर आप दुखी हो, कुड़ रहे हो, बस माइंड ऐसी चल रहा है, तो दोनों चीजें होती हैं। तो भगवान यहाँ पे भक्ति के लक्षण भी बता रहे हैं और भक्ति के फायदे भी बता रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है। दैट्स हाउ इट गोस। ओके जय, अगर क्या कह रहे हो? हाँ एक क्या दो दो पूछ लो। स्टार्टिंग में लेक्चर नहीं सुना था, हम ऊपर किचन को साफ कर रहे थे, तो आप लेक्चर का प्लीज कंक्लूजन बता दो। ओले ये लेक्चर सुन लेना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ओह ये रिकॉर्ड तो आपको दे देंगे और आप सुन लेना। दैट्स ऑल, कंक्लूजन ये है, भक्ति के कुछ फायदे बता रहा था मैं। दैट्स ऑल है, YouTube पे आता है अगर किसी को सुनना है तो क्या कहाँ पॉइंट, मतलब डिसकनेक्टेड पॉइंट है ये? हाँ तो वो कुछ और कह रहे हैं,
क्या क्या क्वेश्चन क्या है? चलो ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आई एम एट लॉस, कंफ्यूज्ड हूं मैं। एनीवे चलो ठीक है, ले लेना लेक्चर, ठीक है ना? ठीक है, ओके, जय श्री प्रभुपाद की, जय हरे कृष्णा।